दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे ब्लॉग राजपुनम ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों को। आज हम आए हैं बेतिया मनीष भैया के घर पर, मनीष भैया से मिलने आए हुए हैं। तो यहाँ क्राउड कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे मनीष भैया से मिल पाएँ। देख रहे हैं दोस्तों कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, दिख रहा होगा भैया, देख रहे बहुत ज्यादा क्राउड है। मनीष भैया कुछ बातों के जनता के सामने रख रहे हैं, आप देखिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग मनीष भैया से मिलने आए हैं। देखिए तो मैं बहुत ज़्यादा क्राउड है भैया, मनीष भैया इधर है, बहुत ज़्यादा भी है। आगे गांव में एक मठ है, वहाँ पे चर्चा हो रहा था। अब यहाँ से मनीष भैया जा रहे हैं अपने घर के तरफ। देखिए मनीष भैया का घर इधर ही है। तभी मनीष भैया के घर के बाहर एक मठ है, वहीं पे अपने बातों को रख रहे थे, विचारों को रख रहे थे। मनीष भैया के घर के तरफ जा रहे हैं। इधर ये मनीष भैया का घर है, यही मनीष भैया का घर है। हेलो दोस्तों, यही है मनीष भैया के घर, आ गए हम लोग फाइनली यहाँ पे। यही मनीष भैया का घर है। देखिए ये पीछे का है, ये आगे का फ्रंट है, इधर से सब लोग आते हैं। यही घर है इनका, मनीष भैया का। देख रहे हैं। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग मनीष भैया से मिल पाए, और बहुत भीड़ था, और भीड़ में भी मनीष भैया बुला के फोटो खिंचवाए हैं। एक वो खुद अपने मेरे मोबाइल से खींचे हैं फोटो को, है ना? तुम्हारा फोटो आया है? हाँ। कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा है। हम लोग को तो उम्मीद नहीं हो रहा था कि फाइनली फोटो रास्ता दिखा रहा है। देखिए भैया कितना रास्ता खराब है, मनीष भैया के गांव गए थे और रास्ता पूरा एकदम खराब ही खराब है। इसलिए मनीष भैया बोल रहे थे, अपना एक वीडियो आया था बहुत दिन पहले, तो बोल रहे थे मेरा गांव जो है ना, वो बाढ़ आता है ना तो गांव बीचों बीच पड़ जाता है। आज हम मुजफ्फरपुर से आए हैं और जा रहे थे मनीष भैया के घर, या पूरा रोडवे खराब है एकदम, बताइए। ये है रोड का स्थिति, अभी यहाँ से नहीं हो तो अभी 20-30 किलोमीटर हाईवे होगा। इसी तरफ मनीष भैया के घर था।
खाना पीना खा पी के बैठ गए हैं अब आराम करने के लिए। तो आपको पता ही होगा, ब्लॉग देख रहे थे तो हम गए थे मनीष भैया के घर मनीष भैया से मिलने। तो फाइनली मनीष भैया मिले और इतना क्राउड था, क्राउड में हम बोले मनीष भैया फ़ोटो लेना है तो मना कर रहे थे, लेकिन हम बोले मेरे साथ पूनम भी आई हुई है, तो फिर बोले ठीक है। तब फिर पूनम को बुलाए, वो अपने मेरे मोबाइल से उन्हें दो सेल्फी लिया और फोटो क्लिक किए, फिर फाइनली उनके घर पे गए और घर वगैरह थोड़ा देखे उखे, फिर उसके बाद वहाँ से निकलने। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद शाम हो गया था, 4 बजे के लगभग हम निकले और आते आते यहाँ 7:30 हो गया, क्योंकि हम लोग गए थे बाइक से 130 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से बेतिया, फिर वहाँ से 130 किलोमीटर लगभग बेतिया से मुजफ्फरपुर आए हैं। जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते में तो काफ़ी गड्ढा था, रोड सड़क एकदम ख़राब था, जिसके कारण अभी हम लोगों की तबीयत ख़राब है। पूनम से पूछिए कैसा हाल है उसका। आज का हाल तो बेहाल है, लेकिन हाँ बड़ा दिन में बड़ा सा काम हुआ है आज। आज मनीष भैया से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, मिले तो है बहुत खुशी भी हुई है, लेकिन आने में बहुत परेशानी भी हुई है। आने के बाद तो खाना वाना बना उना के क्या करूँ, किसी तरह से बना लिए, एक तरफ खुशी भी थी और दूसरी तरफ मेरा सर दर्द भी कर रहा था, लेकिन फिर भी खाना बना उना कर खाई तो नहीं, खाने का भी मन नहीं किया है, लेकिन खुशी से पेट तो भरा ही है। और मैं क्या कहूँ आप लोग को, सब वीडियो में तो देखे किए हैं, देख रहे हैं, देखिए सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। तो ये था ब्लॉग मनीष भैया के ऊपर। हम लोग अचानक प्लान कर लिए थे तो गए थे हम लोग, सुबह सुबह निकल गए थे। तो कैसा लगा ब्लॉग ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मनीष भैया को सपोर्ट करना है आप लोगों को, मनीष भैया जिंदाबाद है कि नहीं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मनीष भैया का सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, है कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।